इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। रोड नहीं तो वोट नहीं, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कटारी का मामला। श्रमदान कर ग्रामीण कर रहे हैं सड़क की मरम्मत। देखिए इंकलाब टीवी की खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे ही 15 साल की सुशासन बाबू की सरकार की विकास की पोल खुलती जा रही है। मामला है शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कटारी गाँव का। कटारी गाँव की सड़क इन दिनों जर्जर अवस्था में है और इस सड़क में कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। कुछ का इलाज वर्तमान में पीएमसीएच में चल रहा है। अधिकतर सड़क दुर्घटना को देखते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि सड़क की मरम्मत की जाए और फिर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से श्रमदान कर 1 लाख की लागत से सड़क की मरम्मति का कार्य भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र के नेताओं की संवेदनाएँ मर चुकी हैं। गुजरे हुए लोकसभा चुनाव में भी यहाँ के ग्रामीण वोट का बहिष्कार किया गया था, लेकिन प्रशासन और नेता के काफ़ी भरोसा दिलाए जाने के बाद वोटिंग शुरू की गई थी। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन कुमार को भी यहाँ की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। 20 वर्षों से यहाँ के ग्रामीण ऐसी समस्याओं को झेल रहे हैं। आखिरकार ग्रामीणों ने निर्णय लिया और श्रमदान कर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के बहिष्कार किए जाने की बात भी कही है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस गांव में नली गली योजना में भी भारी लूट की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण आज नरक की जिंदगी जीने को विवश हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और गहरी नींद में सोए हुए सुशासन बाबू की सरकार की आंख कब खुलती है और यहाँ विकास कब किया जाता है। यह रोड पूरी तरह जर्जर हालत में हो गया है, जबकि इस रास्ते से प्रतिदिन छोटी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिसमें प्रतिदिन कई गाड़ियाँ हादसे का शिकार भी होती हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन तथा बिहार सरकार से इसे जल्द से जल्द ठीक करने की गुहार भी लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर इसे जल्द से ठीक नहीं कराया गया तो इसको लेकर हम सभी ग्रामीण आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और यह आंदोलन की छोटी चिंगारी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। पर विधानसभा चुनाव कटारी पंचायत है, कटारी ग्राम है। समस्याएं क्या क्या रही है आप लोगों की? यहाँ आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, न नली है न गली है, कोई काम नहीं हुआ है विकास का। पंचायती राज का भी काम नहीं हुआ है, रोड का काम नहीं हुआ है। रोड आप देखिए रहे हैं, आप हम लोग सरदार से बना रहे हैं। हाल में एक्सीडेंट है, वो महिला हो गई जो पीएमसीएच में भर्ती है। अभी इस तरह का श्रमदान करके सड़क निर्माण करा रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ आप लोगों का कदम होगा आगे विधानसभा चुनाव? हम लोग विधानसभा चुनाव में यदि रोड नहीं बना तो बहिष्कार करेंगे वोट का। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। समस्या तो देख रहे हैं आप, रोड में कैसा है, आईसीयू में भर्ती है मेरा गाँव का एक लड़की का। अब ऐसा स्थिति में क्या वोट देगा, किसको दे? सांसद उसे ही बोलता, विधायक उसे ही बोलता कि इवे नहीं कोई करता, आते जाते कितना टायर घिस गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं था। तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लोग सड़क का निर्माण खुद से कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस संबंध में? बहिष्कार करें। यह नवादा लोकसभा क्षेत्र, बड़ीगा विधानसभा क्षेत्र, कटारी पंचायत का कटारी गाँव रोड है और यह इस रोड जो है यह मेन सेकुरा और मेहूस जो मेन रोड है उससे लिंक रोड है कटारी भाया होते हुए आपका टाल क्षेत्र तक बड़ैया। और हम लोग ये पूरा 7.5-8 किलोमीटर रोड है यहाँ से लेकर के जखराज स्थान तक।
जलप्पा स्थान बोला जाता है, वहां तक 7.5 किलोमीटर रोड के लिए 20 वर्षों से संघर्ष लोग कर रहे हैं। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय वोट रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा, हम लोगों ने विरोध किया। फिर जो प्रतिनिधि थे उस समय, जो प्रत्याशी थे, वो सब आकर के हम लोग को आश्वासन दिए कि हाँ हम आपका यह काम करेंगे। लेकिन जो जीत करके गए और जो जीत करके जाते हैं उनका कोई फिर घूर करके आकर के देखने का उनका कोई फर्ज नहीं बनता है। और जनता से उनकी शिकायत रहती है कि जनता आते नहीं है, तो हम जाते नहीं है तो आप तो वोट के समय आते हैं ना, तो काम देकर दीजिए आकर के, हम लोग तो समस्या को सुनिए, देखिए धरातल पर आकर के। तो हम सब ग्रामीण का सहयोग से आज इस रोड को जो है हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। क्या लागत लगी है आपको? लगभग इस रोड में अभी 7.5 किलोमीटर इसका एरिया है, 7.5 किलोमीटर में कम से कम लगभग 80,000 से 1,00,000 तक जाएगा, जो आपसी चंदा, आपसी सहयोग, श्रमदान, अर्थदान करके बनाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। पिछले 3-4 दिन पहले हमारे गांव की एक होनहार लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वह आज हॉस्पिटलाइज बराबर सड़क बहुत घटना घटा है, जिसके कारण हम लोग ग्रामीण प्रतिनिधि का अनदेखी होने के बावजूद अब हम ग्रामीण स्वयं अपने खर्चे से, अपने श्रमदान से पूरे 7.5 किलोमीटर इस रोड की जो दूरी है उसको हम लोग आपस में। क्या लगता है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव इस स्तर पे है, इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं से कुछ प्रेशर या किसी तरह का कोई वार्तालाप कोई अधिकारियों से या जनप्रतिनिधि से या विधायक से किसी तरह की वार्तालाप हुई है? देखिए अभी तक तो किसी से उस प्रकार का वार्तालाप नहीं हो, लेकिन हम लोग हाजिरी, हम ग्रामीण अपने समस्या से सबको अवगत करवाए, चाहे सांसद हो, सांसद प्रतिनिधि हो, विधायक हो, विधायक प्रतिनिधि हो, हम लोग अपनी समस्या से बराबर उन लोग को जो है करवाते हैं, अवगत करवाते हैं, लेकिन हमेशा झूठा आश्वासन मिलता है। बस 20 साल से कटारी का विकास, कटारी गांव का विकास, और गली नली जाकर के देखिए क्या स्थिति है, नरक से भी बदतर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भवेश भारती हुआ। समस्या आज तक से कोई समस्या सुलझा नहीं। किस विधानसभा का क्षेत्र है और कौन सा गांव है यहाँ, क्या क्या समस्याएं हैं? बड़बीघा क्षेत्र पड़ता है, कटारी गांव है, ना तो मुखिया फंड से कोई काम है, ना तो कोई ऊपर का पदाधिकारी आकर देगा, जो रास्ता भी सारे गली भी सब कच्चा है, पानी का भी प्रॉब्लम है वो भी अभी दूर नहीं, बिजली भी समस्या है वो भी अभी सही नहीं, कोई काम सुधार काल तक नहीं हुआ, जो भी क्या लगता है कि इस काम पर ग्रामीणों के साथ जो है ठगी किया गया है? ठगी किया गया। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कदम उठाइएगा आप? कदम तो जैसा देखा जाएगा, जो नहीं विकास हुआ था हम लोग वोट नहीं देंगे, घर बैठ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर सिंह। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।